हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज किस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और इम्पोर्टेंट एसे के बारे में जो कि बिलोंग करता है नरेंद्र मोदी से। तो आज किस वीडियो में हम लोग नरेंद्र मोदी इस पर एक एसे उसको डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। दी हुई है इसकी 6 इसकी हेडिंग्स है, उन हेडिंग्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखें, सबसे पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन, जिसे बोलते हैं प्रस्तावना। सेकेंड हेडिंग है इसकी अर्ली लाइफ, मतलब प्रारंभिक जीवन। थर्ड हेडिंग है इसकी सर्विंग एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, मतलब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में ये हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है प्राइमरी फेस इन 2014 लोकसभा इलेक्शन, मतलब 2014 के लोकसभा चुनाव में एक प्राइमरी फेस, कह सकते हैं लोकसभा चुनाव में मुख्य चेहरा ये कह सकते हैं। वैसे प्राइमरी क्या होता है, प्राथमिक मतलब फर्स्ट, और कौन सा था ये 2014। उसके बाद है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में, मतलब भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, क्योंकि जब ये पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे तब, इससे पहले वो क्या थे, वो थे चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात के चीफ मिनिस्टर, वहाँ उन्होंने कई वर्ष एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात वर्क किया था। उसके बाद कहीं आए थे प्राइमरी फेस इन 2014 लोकसभा इलेक्शन, मतलब पहली बार ये 2014 के जो एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रूप में कह सकते हैं इलेक्शन में आए थे और बाद में जीते भी थे। फिर है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, ये इसकी हेडिंग्स है। कुल 6 हेडिंग्स है, जो कि पहली हेडिंग क्या थी, इंट्रोडक्शन, और सेकंड हेडिंग प्रारंभिक जीवन अर्ली लाइफ, मतलब उन्होंने किस तरह से उनका जो प्रारंभिक जीवन था बताते हैं, चाय बेचते थे और ये बताते हैं चाय बहुत टेस्टी हुआ करती थी इनकी, भाई मैंने तो पी नहीं है, मुझे क्या पता कितनी टेस्टी थी, लेकिन चाय वास्तव में बनाते बहुत मस्त होंगे। तो लास्ट हेडिंग क्या है इसकी, कंक्लूजन, निष्कर्ष। ये सभी हेडिंग्स हैं एसे नरेंद्र मोदी, इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट एसे है। वैसे भी आज के समय में बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, भले ही रोजगार ना देते हों लेकिन व्यक्ति बहुत चर्चित हैं। और तो आज किस वीडियो में हम लोग उन्हीं के एसे के बारे में डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं इसकी हेडिंग्स बनवाई। तो ये थी इसकी हेडिंग्स, इंट्रोडक्शन, अर्ली लाइफ, सर्विंग एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, प्राइमरी फेस इन 2014 लोकसभा इलेक्शन, एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कंक्लूजन। अब देखते हैं इसकी एक एक हेडिंग को वन बाई वन। पहली हेडिंग है इसकी इंट्रोडक्शन, नरेंद्र मोदी इज द 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्राइम मिनिस्टर हैं, हु वाज इलेक्टेड इन लोकसभा इलेक्शन 2014, जो कि लोकसभा चुनाव 2014 में वह चुने गए थे। ही एज्यूम द ऑफिस, उन्होंने ऑफिस को एज्यूम किया, मतलब ऑफिस में बैठे या ऑफिस वर्क शुरू किया, एज्यूम किया, कब से, सिंस 26 मई 2014, मतलब 26 मई 2014 से उन्होंने ऑफिस एज्यूम किया। बिफोर एज्यूमिंग ऑफिस, ऑफिस को एज्यूम करने से पहले, मतलब ऑफिस को अटेंड या ऑफिस में बैठने से पहले, एज द 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में ऑफिस में बैठने से पहले ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। वह गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे फ्रॉम 2001 टू 2014। 2001 से 2014 तक वह गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। ही वाज इलेक्टेड, उन्हें चुना गया एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी जिसे बोलते हैं, उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी चुना गया फ्रॉम वाराणसी से, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूसी, लोकसभा मतदाता वर्ग से। कॉन्स्टिट्यूसी मीन्स मतदाता वर्ग। उसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट हेडिंग, अर्ली लाइफ। तो इन हिज अर्ली लाइफ, अपने अर्ली लाइफ या अर्ली डेज, अपने प्रारंभिक दिनों में ही ज्वाइंड वन ऑफ द प्रो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने प्रो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन है ये, इसे ज्वाइन किया। इसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। कब? 1970 में। ही वाज अमोंग द पर्सन्स, ये उन लोगों के बीच में थे हु इस्टेब्लिश्ड, जिन्होंने स्थापना की थी अखिल भारतीय विद्या परिषद, जिन्होंने अखिल भारतीय विद्या परिषद इसको इस्टेब्लिश किया था या इसकी स्थापना की थी। इन हिज एरिया, अपने एरिया में, ही रोज एट द गुड स्पीड इन आरएसएस, मतलब उन्होंने आरएसएस में भी एक अच्छा स्थान प्राप्त किया। ऑर्गेनाइजेशन एंड अचीव्ड गुड ग्रोथ इन पॉलिटिकल कैरियर टू, और उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर, पॉलिटिकल राजनीतिक करियर जीवन, उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भी अच्छी वृद्धि की। उसके बाद आती है हेडिंग नंबर 3, सर्विंग एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। गुजरात के चीफ मिनिस्टर के रूप में ही वाज, वह थे द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे बिटवीन 2001 2014। 2001 से 2014 तक वह गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस काल के दौरान, ही वाज कंसिडर्ड, उन्हें माना जाता था एज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्सियल चीफ मिनिस्टर इन इंडिया, भारत में सबसे विवादास्पद, कंट्रोवर्सियल मीन्स विवादों में घिरे हुए, चीफ मिनिस्टर के रूप में जाना जाता था। मतलब उस पीरियड में अब तक जितने भी भारत के, या कह सकते हैं भारत में चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनमें जो नरेंद्र मोदी हैं वह सबसे अधिक मोस्ट कंट्रोवर्सियल चीफ मिनिस्टर हैं, सबसे अधिक विवादों में रहने वाले। उसके बाद आगे है ये, ही वाज हैपनिंग, वो हैपनिंग ड्यूरिंग हिज ऑफिस टेनर, जब वे अपने, टेनर मीन्स होता है कार्यकाल, मतलब अपने शासनकाल, या अपने शासनकाल में जब वे थे 2002 में, जो 2002 में राइट्स, राइट्स मीन्स दंगे, थाउजेंड, जब 2002 में वे अपने ऑफिस वर्क में थे, या जब वे अपने शासनकाल में थे, तब दंगे हुए। 2002 में दंगे हुए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड, हजारों लोग मारे गए, एंड इंजर्ड और घायल हुए थे, एंड करोड़्स ऑफ प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड, करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई थी। इट वाज द सैडेस्ट एंड ब्लैक चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ गुजरात, और ये गुजरात के इतिहास में सबसे घटिया, या और सबसे काला एक भाग था, या चैप्टर था, या एक अध्याय था। मतलब ये गुजरात के इतिहास में सबसे बेकार काला चैप्टर था। यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट, संयुक्त राज्य सरकार ने वेंड द गुजरात चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मतलब जो यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट थी, इसने नरेंद्र मोदी, मतलब जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात थे, गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर बैन लगा दिया। काहे के लिए? फॉर एंट्री यूएस की, वे यूएस में एंट्री नहीं करेंगे। बट द बैन वाज रिवोक्ड, बट लेकिन द बैन वाज था, रिवोक्ड होता है रद्द कर दिया गया, लेकिन बैन को हटा दिया गया या रद्द कर दिया गया वेन ही वाज इलेक्टेड 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जब उन्हें भारत के 15वें प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया था। उसके बाद आती है हेडिंग नंबर 4, प्राइमरी फेस इन 2000 लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा मतलब 2014 के लोकसभा चुनाव में प्राइमरी फेस, मुख्य चेहरा तो नरेंद्र मोदी
और सिंपली नमो, नरेंद्र मोदी जिन्हें साधारणतः कहते हैं नमो नमो। बाज द प्राइमरी फेस ऑफ भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी का एक प्राइमरी फेस था, सबसे प्राथमिक फेस था। कब? इन 2014 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में। ड्यू टू हिज मार्केटिंग कंपेन, अपने इस मार्केटिंग कंपेन मींस अभियान के दौरान बीजेपी वाज एबल टू विन, बीजेपी जीतने में सफल हो गई द लोकसभा इलेक्शंस 2014 2014 में लोकसभा चुनाव को जीतने में सफल हो गई इन इट्स टाउन, अपने कस्बे में। इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ बीजेपी, ये बीजेपी की सबसे पहली इतनी भारी विजय थी या जीत थी। उसके बाद आती है नेक्स्ट हेडिंग, एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में। तो नरेंद्र मोदी या नरेंद्र इज द 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। ही लेड द बीजेपी, वे बीजेपी को आगे ले गए इन 2014 के जनरल इलेक्शन, जनरल सामान्य इलेक्शन में, विच गेव द, जिन्होंने दिया द पार्ट अ मेजर, द पार्टी के लिए है, द पार्टी क्या दिया, अ मेजोरिटी ऑफ द, अधिकता दी इन द लोकसभा, मतलब उसने लोकसभा चुनाव में पार्टी को विजय बनाया, पार्टी को बहुत अधिकता दी। द फर्स्ट टाइम, पहली बार अ सिंगल पार्टी हैड गोट दिस, एकमात्र ऐसी पार्टी ने ऐसा प्राप्त किया सिंस 1984 से पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी पार्टी ने, अगर सकते बीजेपी ने इस तरह से पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार को बनाया। उसके बाद आगे है, ही बीकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बॉर्न आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, ही बीकेम, वह हो गए, क्या हो गए, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वह पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जो कि पैदा हुए थे इंडिया की स्वतंत्रता के बाद में, जब वह भारत यूनाइटेड किंगडम से आज़ाद हो गया था उसके बाद, या मतलब अंग्रेजों से आज़ाद हो गया था। उसका लास्ट हेडिंग है आपकी कंक्लूजन, इन दिस वे, इस तरह से, इस प्रकार से, वी कैन से, हम कह सकता हूँ दैट कि श्री नरेंद्र मोदी, इस तरह से या इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन लीडर्स, कि नरेंद्र मोदी बहुत से महान भारतीयों में से या भारतीय नेताओं में से एक नेता हैं जो अपनी नेतागति दिखाते हैं। ही इज एन इंडियन पॉलिटिशियन, वह एक भारतीय पॉलिटिशियन हैं। हु इज द 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। ही हैज मेड मैनी एफर्ट्स टू मेक इंडिया प्रोग्रेसिव, उन्होंने भारत को उन्नतिशील बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं, जैसे कि उन्होंने निजीकरण किया है। तो ये था ऐसे नरेंद्र मोदी के बारे में। तो ये थी आज की वीडियो, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।